ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भेड़िए हैं उनका झुंड घूम रहा है। तीन पहले पकड़े जा चुके हैं लेकिन अब चौथे को भी पकड़ लिया गया। कैसे पकड़ा गया है? ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। कुलेला गांव में इसकी लोकेशन ट्रेस हुई, लोकेशन मिली। लोकेशन मिलने के बाद चारों तरफ से जाल बिछा दिया गया ताकि इस भेड़िए को पकड़ा जा सके। शोर मचाकर पटाखा फोड़कर जाल की तरफ इसको खदेड़ा गया। जाल में फंसने के बाद भेड़िए को आखिरकार पकड़ लिया गया। फंसने के बाद भेड़िए ने भागने की हालांकि कोशिश की, किसी तरीके से वो भाग जाए, लेकिन ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करने के बाद आखिरकार इसको पिंजरे में कैद कर लिया गया। तो इस तरीके से जो चौथा भेड़िया है वो पकड़ा गया। लेकिन आपको बता दें, दरअसल ये चार भेड़िया अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी कई और भेड़िए हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। दो भेड़िए जिनकी अभी भी तलाश की जा रही है, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी है और किस तरीके की तैयारी है बाकी भेड़ियों को पकड़ने के लिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक भेड़िया जिसने झुंड को बनाया आतंकखोर, लंगड़ा भेड़िया निकला आतंकखोर झुंड का सरदार। बच्चों पर हमले में शातिर है लंगड़ा भेड़िया। पिंजरा तैयार, लंगड़े भेड़िए का इंतजार। बहराइच के 35 गांव में खूनखार भेड़िए घात लगाकर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर सबसे ज्यादा गांव के मासूम बच्चे हैं, क्योंकि मासूम बच्चों का शिकार करने में आदमखोर भेड़ियों को आसानी होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए जंगल और अपने स्वाभाविक शिकार को छोड़कर इंसानी बस्तियों की तरफ कैसे आ गए? तो इसका जवाब वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया है जिसने अपने पूरे झुंड को ही आदमखोर बना दिया है। वन विभाग का दावा है कि आदमखोर भेड़ियों का सरगना वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने सबसे पहले इंसानों पर हमले की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ है, लिहाजा भूख मिटाने के लिए लंगड़ा भेड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ घात लगाने लगा। लंगड़े भेड़िए ने सबसे पहले महसी इलाके में एक मासूम बच्चे पर हमला किया और उसे अपना निवाला बना लिया। जानकारों की माने तो उस मासूम बच्चे के मांस को कई भेड़ियों ने खाया, मतलब खूनखार भेड़ियों के झुंड के मुंह को इंसानी खून लग गया। इसके बाद झुंड के दूसरे भेड़िए भी लंगड़े भेड़िए की राह पर चल पड़े। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति नरभक्षी हो गई। अब आदमखोर भेड़िए इंसान खासकर बच्चों को खोज रहे हैं। इस महीने की स्टार्टिंग में भी तीन रेस्क्यू करे गए थे और उसमें बाकी बचे अब हमारे पास तीन ही लगातार दिख रहे थे, जिसमें से एक को आज रेस्क्यू कर लिया गया है। दो और हैं इसमें से, देखिए दो और अभी हैं जो हमारे सर्विलांस में लगातार निकल के आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से लगे हुए हैं, अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत एज एंड वेन नीडेड लोकल कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए कर रहे हैं और सारे स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर होपफुल कि जल्दी ही बाकी दो भी पकड़े जाएंगे। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इलाके में कितने आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों की हरकत पर नजर रख रही है। जमीन से लेकर आसमान तक चौकसी बढ़ा दी गई है। पिछले चार दिनों में चार भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। इस बीच ग्रामीण इस बात को भी लेकर आशंकित हैं कि भेड़िए जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं उनके साथ ही और आक्रामक होते जाएंगे। जानकारों की माने तो भेड़िए कुत्ता परिवार का प्राणी होता है और उनके सूंघने और जागने की आदत बहुत तेज होती है। ये बताइए कितने लोग रहते हैं? इस पे तो दो जने रहते हैं। दो लोग रहते हैं, क्या क्या व्यवस्था रहती है आपके पास इसके? आप कुछ डंडा वगैरह रखते हैं? हाँ, लाठी डंडा है। लाठी डंडा है, से आप लोगों को डर नहीं लगता, कुछ बचाव के लिए मिल जाता है आप? हाँ, सहायता करता है, लाठी डंडा रहता है, सहायता करता है। टॉर्च वगैरह भी रखते? टॉर्च भी है। टॉर्च भी है, यानी कि आपके पास लाठी भी है, टॉर्च है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक मजबूत हौसला है। एक तरफ जहाँ पूरा वन विभाग का अमला प्रशासन के साथ मिलकर खूनखार भेड़ियों को पकड़ रहा है,
तो वहीं दूसरी ओर भेड़ियों को लेकर कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह अफवाह फैलाने वालों पर काफी नाराज दिखे। प्रशासन ने भी अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है। आप लोगों की मेहनत का नतीजा आज देखने को मिला कि चौथा भेड़िया भी पकड़ा गया है, लेकिन क्या इसके बाद डर खत्म हो जाएगा? नहीं, चौथा भेड़िया पकड़े जाने के बाद में तो ये पारिवारिक होते हैं, तो आज तो 3 दिन हो गया उनके हमले को, भूख भी लगी होगी और उनका साथी पकड़ा गया है, तो आज हमें विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है क्षेत्र में, और लोगों को जागरूक बनाए रखना है कि कोई भी बच्चा बाहर न रहे, लोग जागरूक रहें, जागते रहें, अपने बच्चों को अंदर रखें, क्योंकि आज वो अटैक करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं मौका पाते ही, इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग जागरूक बने रहें। हमारे साथ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं। सर, आप दिन भर से यहीं पर हैं, इसी गांव में हैं जहां पर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है, क्या कहेंगे? क्या बताएं, बताइए। मतलब आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये भेड़िया पकड़ा जाएगा, लोगों को शांति मिलेगी? हाँ, पकड़ा जाएगा, भेड़िया पकड़ा जाएगा, प्रयास किया जा रहा है। आज जाल बिछा दिया गया? हाँ, बिछा था जाल। हो सकता है सुबह फंस जाए? हाँ, हो सकता है। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जंगल के इन खूनखार भेड़ियों के मुंह को इंसानी खून लग गया है। ऐसे में वन विभाग को उस लंगड़े भेड़िये की सरगर्मी से तलाश है जिसने अपने पूरे झुंड को ही आदमखोर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहराइच से हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, वहीं सीतापुर से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, अभी तक बहराइच में ही कहर था, लेकिन अब सीतापुर में भी यहां भेड़ियों के आने की बात कही जा रही है, क्या कुछ वहां पर कोशिशें की जा रही है, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सलोनी, अभी तक जो खौफ था वो बहराइच में देखने को मिल रहा था। हालांकि बहराइच के लोगों से जब हमने बात की थी, उनका कहना था कि अभी तक 4 भेड़ियों को क्योंकि कैद कर लिया गया है, खौफ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 2 भेड़िए हैं जिन्हें कैद करना बाकी है। और ऐसे में सीतापुर से अचानक से खबर आ जाती है कि जहां भड़थरा गांव है, वहां एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पर भेड़िए के द्वारा हमला किया गया है। बुजुर्ग महिला बहुत देर तक जब घर नहीं लौटती है तो उनकी तलाश शुरू की जाती है और उनका शव बरामद होता है। उनके शरीर पर पंजे के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया कि भेड़िये ने उन पर हमला किया है, और रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि उन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल भेजा गया था, वहां से रेफर किया जाता है, लेकिन उन्होंने अपना उनकी जान चली जाती है। और इस सब के बीच ये भी खबर आती है कि सीतापुर में कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। अब सीतापुर में भी वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहां नजर आ रही है चौकसी करते हुए, और उस एक भेड़िए की खोज की जा रही है। अब ये भी देखना होगा कि सिर्फ एक भेड़िया है या उससे भी ज्यादा भेड़िए वहां पर है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा हुई है और बारिश में बाढ़ के पानी में बह करके कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर है वो गांवों तक पहुंच गए हैं, और जब उन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो अपने खाने की तलाश में वो गांव का रुख कर रहे हैं। गांव का रुख करने के दौरान वो जो वहां पर रहने वाले निवासी हैं, जो ग्रामवासी, उन पर हमला कर देते हैं, और इस वजह से इस तरीके की ये घटनाएं हो रही है। हमने